HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 साल पहले नेपाल के किंग वीरेंद्र विक्रम शाह का परिवार समेत उनके महल में उनके ही बेटे प्रिंस दीपेंद्र ने मर्डर किया और फिर सुसाइड कर लिया था। बताया जाता है कि नेपाली राज परिवार दीपेंद्र की पसंद वाली लड़की से शादी करने के खिलाफ था। यह लड़की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कजिन, उनकी बुआ उषा राजे की बेटी देवयानी राणा। 1 जून 2001 को नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने शाही महल में किंग क्वीन के साथ राज परिवार के 9 सदस्यों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि प्रिंस दीपेंद्र प्रिंसेस देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन शाही परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर गुस्से में आकर दीपेंद्र ने पहले अपनी बात मनवाने के लिए किंग क्वीन से जिरह की, इसमें नाकाम रहने के बाद सबकी हत्या कर दी थी। इस नरसंहार में किंग वीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्य, प्रिंस श्रुति के साथ प्रिंस निरंजन के अलावा किंग वीरेंद्र के भाई धीरेंद्र, बहन शांति व शारदा, शारदा के पति कांधा, किंग की कजिन जयंती की मौत हो गई थी। प्रिंस दीपेंद्र ने अपने और देवयानी के रिश्ते के बारे में शाही परिवार के अन्य युवा सदस्यों से भी बातचीत की थी और हत्याकांड से साल भर पहले शाही परिवार का तख्ता पलट करने की योजना का भी जिक्र किया था।